हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम हाथों को मुलायम और सॉफ्ट बनाने के लिए आज एक टिप्स लेकर आए हैं। आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। हाँ, अगर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये आप लोग क्या है कि आप लोग हाथ कपड़े धोते वक्त, साबुन को छूते वक्त या बर्तन साफ़ करने वाले साबुन को छूने से आपके हाथ काफ़ी कड़क और मुलायम नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए हम आप एक टिप्स लेकर आए हैं। आप इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा, फिर आप देखेंगे किस तरह आपको फ़र्क नज़र आता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो हम कोई भी बॉडी लोशन लेंगे, कोई भी किसी भी ब्रांड का होगा चलेगा। और दूसरा है नमक, खाने वाला नमक, और तीसरा चुकंदर। ये आपके पास नहीं है तो आप नहीं लें, यही दोनों आपके लिए काफ़ी है। चुकंदर आपके रंगत को निखारने के लिए होगा, हाथों में पिंकी ग्लोइंग ग्लो लाने के लिए होगा। और ये नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं, अगर है तो आप यूज कर सकते हैं। ये दो लेकिन बहुत ज़रूरी है। हम देखेंगे इसको बनाते कैसे हैं। बॉडी लोशन है, इसमें जो है नमक, जितना बॉडी लोशन है उतना ही नमक मिलेंगे, और दोनों को अच्छी तरह मिला लेंगे चम्मच या उंगली से। इस तरह मिलके तैयार हो गया। अगर हमारे पास चुकंदर है तो चुकंदर भी इसमें यूज करेंगे। हम यहाँ पर चुकंदर यूज करेंगे, और चुकंदर को मिलाने के लिए पहले इसे कस कर लेंगे और इस तरह इसका ये थोड़ा सा लेके इसी में मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड कलर का हो गया है। अगर ये चुकंदर नहीं है तो आप मत लीजिए, ये दोनों ही काफ़ी है। और इसको लेकर हम अपने हाथों में इस तरह से 5 मिनट तक स्क्रब करेंगे। अरे मुँह में डाल रहा था। इस तरह स्क्रब करेंगे। पाँच मिनट लगभग करेंगे। इस तरह दोनों हाथों को आपस में ऐसे हथेलियों को रगड़ेंगे। अभी हम अपना हाथ वॉश करके आ गए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल मुलायम हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया है। इस तरह आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप जब इसे यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बिल्कुल मुलायम हो गया है। पहले से बिल्कुल 100% आपको जो है फ़र्क नज़र आएगा। आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इस टिप्स पर विश्वास नहीं होता तो आप इसे तुरंत करके आजमाइए, आपको तुरंत ही 5 मिनट बाद आपको फ़र्क नज़र आएगा। और फिर आप आजमा कर फिर देखिए, फिर आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।